दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं दिशा सेलिन के केस में बहुत डिटेल से, और पूरा फॉरेंसिकली और फॉरेंसिक फिजिक्स को यूज़ करते हुए कि आखिर कितनी दूर बॉडी गिरी होगी और क्या पॉसिबिलिटी रही होगी। आप सबके दिमाग में ये सवाल चल रहा है काफ़ी दिन से कि हॉरिजॉन्टल पोजिशन क्या रही होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसे केसेस सॉल्व कैसे किए जाते हैं। आप मेरे साथ बस बने रहिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात जो है, ऐसे केसेस में हमें क्या देखना होता है कि जहाँ भी कोई पर्सन किसी हाइट से गिरता है, जैसे कि कोई क्लिफ है या कोई बिल्डिंग है, तो उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, ये सुसाइड की वजह से हुआ है, ये मर्डर की वजह से हुआ है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है कि अगर कोई विटनेस भी नहीं है और ना ही कोई सुसाइडल नोट है, ठीक है, जिसको सुसाइड प्रूव किया जा सके। जैसा कि हमें दिशा के केस में मिला, विटनेसेस तो सामने आ रहे हैं, ठीक है। आपने पहले दिन भी देखा कि जो दो विटनेस थे, दो तीन विटनेस थे, वो लड़के थे, उन्होंने नीचे बॉडी को गिरते हुए धड़ाम से आवाज़ आई और वो एकदम भाग कर गए। तो एक तो विटनेस वो हो गए, दूसरे विटनेस हुए जो ये जो न्यूज़ नेशन वालों ने दिखाया है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आई विटनेस जिनको हम कह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में विटनेसिंग तो है, अब उस विटनेसिंग को प्रूव करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और ये रिकंस्ट्रक्शन तभी होगा जबकि केस फॉरेंसिक वाले सॉल्व करें इसको। और अभी ऑथेंटिकली सीबीआई के पास ये केस नहीं है, ठीक है, ऑथोरिटीज़ ने नहीं दिया है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको कल एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हमने दिशा सेलियन के फ्लैट को अंदर से दिखाया है कि कैसी खिड़कियां हैं और कितनी पॉसिबिलिटी है इस तरीके का काम होने की। तो जो विटनेस का कहना है कि झुला कर फेंका जाना, वो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है, पर बाकी अदर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुसाइड की भी कितनी पॉसिबिलिटी है, होमिसाइड की कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको धैर्य बनाए रखना है अभी, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ऐसे केसेस में हम साइकोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की भी मदद लेते हैं कि कहीं कोई पुरानी उनकी कोई पुरानी डिप्रेशन हिस्ट्री या कहीं कोई सुसाइडल टेंडेंसीज़ या इस तरीके की कोई मेंटल इलनेस तो नहीं रही है। तो हमें ये भी हमारे एविडेंसेस या प्रूफ बन जाते हैं ऐसी चीज़ों में। पर हमने देखा कि दिशा सेलियन की ऐसी कोई भी हिस्ट्री नहीं रही है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कोई अल्कोहल की, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया था या ये ले लिया था, तो आदमी वहीं गिर जाएगा, बेड पर ही गिर जाएगा, सोफे पर ही गिर जाएगा, ठीक है, जब तक उसका सुसाइड करने का, क्योंकि सुसाइड का एक रीज़न होता है, एक मोटिव होता है, उस मोटिव को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा मोटिव नहीं रहा है कि वो आधे एक घंटे पहले ही अपनी फैमिली से अच्छे से बात कर रही हैं और डांस कर रही हैं, खुश हैं, सब कुछ हैं, तो इसलिए कोई मोटिव नहीं रह जाता है। मोटिव तब साफ पता चलता है, उन्होंने कहीं कोई नोट लिखा था या किसी से झगड़ा हुआ था काफ़ी पहले से ही, या डिप्रेशन की दवाइयाँ कोई ले रहा था, या इस तरीके की चीज़ें था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो गया था। तो वो हिस्ट्री जो होती है क्राइम, वो हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री यानी कि डिसीज़ की हिस्ट्री पता लगाना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि इतनी हिस्ट्री इस केस में पता लगाई गई है, और अगर ये केस सीबीआई को जाता है तो इसमें भी ऐसी चीज़ें पता लगाई जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए जो फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं। आप इस डायग्राम को देख लीजिए, ये पहली नंबर एक और नंबर दो जो कंडीशन है, जैसे कि ये एक बिल्डिंग है, मान लीजिए ये हाइट है, मीटर्स में मैंने हाइट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देखिए मैंने बहुत रिसर्च पेपर पढ़ के बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, तो आप भी ही उतनी मेहनत से इसको समझें, तब आपके समझ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और मैं ये आशा करके समझा रहा हूँ, मैं आपका लेवल इस समय चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने वो बिल्डिंग की फ़ोटोग्राफ्स देख ली हैं, दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने पहले डिस्कस कर दी है अच्छे से, हम जानते हैं इंजरीज़ कहाँ कहाँ हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, हमको विटनेस के बारे में भी पता है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो पर ध्यान देंगे। तो ये पॉसिबिलिटी वन और टू जो है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा ड्रॉप नहीं होता है। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन, जो लोग फिजिक्स से हैं, देखिए बॉडी भी एक प्रोजेक्टाइल बन गई, एक लॉन्च पॉइंट है, लॉन्च पॉइंट से गिर रही है, तो बिल्डिंग में कोई भी लॉन्च पॉइंट हो सकता है। मैं पिछली साइड पर जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर कहीं से भी लॉन्च पॉइंट हो सकता है। लॉन्च पॉइंट पर जब बॉडी गिरेगी तो बिल्कुल सीधी वहीं नहीं गिरेगी, ठीक है ना, तो वहीं नहीं गिरेगी, थोड़ी सी तो दूर गिरेगी। अब क्यों गिरेगी इसके बारे में हम समझेंगे। तो वन और टू पोजीशन तो एक फिक्टिशियस पोजीशन है जो कि आप कार्टून फिल्मों में
देख सकते हैं, पर जो ओरिजिनल पोजीशन बनेगी नंबर थ्री पोजीशन बनेगी। अब नंबर थ्री पोजीशन कितनी पास बनेगी, कितनी दूर बनेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग की हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है मैं आपको बता देता हूँ कि आप भी अगर देखेंगे, आपको अगर कहीं कचरा फेंकना है, आप जब कचरा फेंकते हैं, आप बहुत ऊंचाई से कचरा फेंक रहे हैं या कुछ भी चीज़ फेंक रहे हैं, कोई बॉल है, बिना पुश के, मैं बिना पुश की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही धीरे से उसको नीचे गिराएंगे, अगर आप सेकंड फ्लोर से गिराते हैं तो वो काफ़ी पास गिरेगा, और अगर आप उसको 14th या 18th फ्लोर से गिराएंगे तो थोड़ा दूर जाके गिरेगा। क्यों जाके गिरेगा? क्योंकि वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी लग जाएगा, ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस भी लग जाएगा और उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी ड्यूरिंग दी पाथ ऑफ दी फ्लाइट, तो इस वजह से ये कंडीशन आएगी। तो सबसे पहला तो है हाइट ऑफ दी बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ दी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए भी कि पर्टिकुलर हाइट ही क्यों चूज़ की गई, ऐसा क्या था उस फ्लोर पे, उस फ्लोर में, तो हमें पता चला कि तीसरा सैलियन का फ्लैट था या रोहन का फ्लैट था, वो उनके साथ लेवन में रह रही थी, एक पार्टी चल रही थी वहाँ पर, तो वहाँ पर वो पार्टी के एविडेंसेस, वो सब जो भी कुछ हुआ है वही हुआ है, तो उस हाइट से ही उनको फेंका गया है या गिराया गया है या वो गिरी हैं, जो भी है, तो वो हाइट बहुत ही ज़रूरी हो जाती है वहाँ पर। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितनी दूर जाके गिरी हैं। तो आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाते थे और हम पता लगाते थे ये पॉइंट ए बी सी होता था, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हम पता लगाते थे। तो हमें यहाँ पे ए सी का पता लगाना है, ए सी स्क्वायर का पता लगाना होता है ऐसी कंडीशन में। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी रही है, जितनी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती चली जाएगी दोस्तों, उसमें दो कंडीशन बनती चली जाएंगी, या तो रन अप करके, अगर सुसाइड है तो बंदा भागते तेजी से आया और फिर उसने जंप लगाई, नंबर एक पॉसिबिलिटी। नंबर दो पॉसिबिलिटी है, अगर बंदा एथलीट नहीं है या वहाँ पे भागने की जगह ही नहीं है, जैसा कि उनके फ्लैट में देखने को मिल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि वो भाग के आए और जंप लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता, और तो बंदे को फेंका गया है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है, कितनी दूर जाके गिरी है। अब जैसा कि हमने सुना कि बिल्डिंग के कंपाउंड से बाहर जा गिरी है, तो कंपाउंड की जो बिल्डिंग से जो कंपाउंड की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी है, पहले ये पता करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है कि उनको थोड़ा भी धकेला जाएगा, पुश किया जाएगा, तो बॉडी बाहर जाके गिर सकती है, ठीक है। और अगर फेंका जाएगा, जैसे कि हाथ पैर पकड़ के फेंका जाएगा, जो मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं लगती, पर अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हुई है, हाथ पैर पकड़ के फेंका गया और अगर टेरेस से फेंका गया है, तो ये पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि टेरेस से वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा होता है वर्टिकल स्लोप ऑफ द बिल्डिंग। देखिए कोई भी बिल्डिंग एकदम सीधी नहीं होती है, ये मैंने हालांकि एग्जांपल के तौर पे दिखाया है, ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा स्लोप होगा, ये मैंने दिखाया है। आप चाहें दुबई के बुर्ज खलीफा को भी ले लें, एक स्लोप होता है, वर्टिकल स्लोप होता है बिल्डिंग में, कोई भी चीज़ सीधी एकदम सीधी नहीं होती, तो वो स्लोप जितना ज़्यादा रहेगा, वो स्लोप जितना आगे की तरफ रहेगा या पीछे की तरफ रहेगा, उसी हिसाब से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिसाइड होगी। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में यहाँ पे आप इमेजिन कर पा रहे होंगे और आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अगर स्लोप थोड़ा सा आगे की तरफ है, जैसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स स्लोप है, थोड़ा सा है, तो डेफिनेटली बिल्डिंग बॉडी अपने आप ही दूर जाके गिरेगी आमतौर पर। और अगर बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा नहीं है तो स्लोप भी कम होगा, और बिल्डिंग की हाइट बहुत ज़्यादा है तो स्लोप उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये स्लोप दोस्तों एक एक डिग्री में बहुत मायने रखता है, अगर एक डिग्री का भी स्लोप ज़्यादा हो जाता है तो तकरीबन 0.5 टू 1 मीटर डिस्टेंस बॉडी के फॉल की ज़्यादा हो जाती है, आप ये ध्यान रखिए, एक डिग्री, एक या दो डिग्री के स्लोप में कम से कम 0.5 टू 1 मीटर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हमारी ज़्यादा हो जाएगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और अगर ये डिग्रीज बढ़ती चली जाएंगी स्लोप की, तो उतनी ही ज़्यादा हमारी डिस्टेंस जो है बॉडी के फॉलन की दूर होती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद है जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, पहले बॉडी कहाँ गिरी है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या था, ऐसा तो नहीं है बॉडी बाउंस ऑफ करके एक बार गिरी और दोबारा से बाउंस ऑफ करके, पर ऐसा कंडीशन में होता नहीं है, अगर वेट बहुत ज़्यादा हो तो बॉडी वहीं से गिरती है। और इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटैक्ट जो इम्पैक्ट था वो क्या था, वो हमें पता करेगा कि वो सुसाइड था या होमिसाइड था। अभी जो सुसाइड लगता है,
जो क्राइम सीन पर देखने पे वो बाद में होमिसाइड करार किया जा सकता है प्रॉपर एग्जामिनेशन से, और जो अभी होमिसाइड लग रहा है वो बाद में सुसाइड भी साबित हो सकता है इसी तरीके से। तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ है लॉन्च पॉइंट, मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। लॉन्च पॉइंट का ये वही बिल्डिंग है, मैंने थोड़ा सा इसको हेजी किया हुआ है। लॉन्च पॉइंट का पता लगना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लॉन्च पॉइंट से ही एंगल भी डिसाइड होगा और ये भी डिसाइड होगा कि बॉडी कितनी बाहर गिरेगी कितनी अंदर गिरेगी। अगर यहाँ से बॉडी को गिराएंगे, इस हाइट से बॉडी को गिराएंगे, तो बॉडी काफ़ी नज़दीक गिरेगी, चाहे आप पुश भी करें चाहे हवा में भी फेंके, और इस एंगल से इस हाइट से गिराएंगे तो बॉडी बहुत दूर जाके गिरेगी, ठीक है ना। थोड़े कम पुश से सेकंड फ्लोर के मुकाबले 14th फ्लोर पर पुश भी कम देना पड़ेगा और दूरी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, एंगल की वजह से, स्लोप की वजह से, हर चीज़ की वजह से। और रनअप डिस्टेंस तो वहाँ पर रही नहीं है उनके कमरे में, उनके कमरे में तो रनअप है नहीं। अगर उन्होंने छत से ही कुछ खुद सुसाइड किया होता, रनअप करके सुसाइड किया होता, बॉडी बहुत दूर जाके गिरती, वो भी पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे नहीं दिखती है। उसके बाद है फ्लाइट डिस्टेंस, देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कितनी डिग्रीज पर कितना डिफरेंस आएगा, पर डेफिनेटली जितने ज़्यादा समय के लिए बॉडी हवा में रहेगी, यानी कि एंगल उतना ही ज़्यादा बड़ा था और बॉडी उतनी ही ज़्यादा दूर जाके गिरेगी, आप इसको सिंपल सा ये समझ लीजिए, ठीक है ना। और टेक ऑफ डिस्टेंस क्या थी, ये हमारे फीट्स पर डिपेंड करती है, जो सेंटर ऑफ मास है वो है इज़ इन द फ्रंट ऑफ द बैक फुट, ठीक है, इज़ इन द फ्रंट ऑफ द बैक फुट, जो हम ले रहे हैं अप थ्रस्ट ले रहे हैं। ये खाली सुसाइड के केस में ज़्यादा है, देखिए एक्सीडेंट और होमिसाइड में कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट और होमिसाइड में ये कुछ भी हो सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम सुसाइड का केस माने तो ये सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमारे फ्रंट इन द फ्रंट ऑफ द बैक फुट होगा, ठीक है, और उसी के हिसाब से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि द टेक ऑफ डिस्टेंस इन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बैक फुट टू द सेंटर ऑफ मास एंड इट कैन ऐड एन एक्स्ट्रा 0.5 मीटर टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अगर ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास और बढ़ता है, हम थोड़ा सा पुश और लेते हैं, तो 0.5 मीटर, आप 0.5 में आधा मीटर, आप समझ रहे हैं, ज़्यादा थ्रस्ट ले लिया तो एक मीटर, और ज़्यादा ले लिया तो दो मीटर, किसी ने फेंका तो तीन चार मीटर, पाँच मीटर, इस तरीके से आराम से हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, हो सकती है। अब इसमें जो और भी एविडेंसेस देखने के हैं, पोजीशन ऑफ द बॉडी, देखिए किस, ये बहुत ज़रूरी है कि सुसाइड या होमिसाइड में क्या है, अगर बॉडी फीट्स के बल गिरती है तो अधिकतर केस सुसाइड के होते हैं, अगर बॉडी फीट्स के बल गिरती है तो अधिकतर केस सुसाइड के होते हैं, और अगर बॉडी चेस्ट के बल या हेड के बल गिरती है तो सुसाइड और होमिसाइड दोनों हो सकता है। पर चेस्ट के बल जब बॉडी गिरती है, जैसा कि इंजरीज जो देखने को वहाँ पे मिल रही हैं कि उनके चेस्ट पर काफ़ी एब्रेडेड कॉन्फ्यूजन थे, काफ़ी स्टमक पर इंजरीज थी और लेग पर थी, नी पर थी, ये सब था, तो बॉडी फ्रंट की तरफ गिरी है, तो ये इससे ये साबित हो जाता है कि फीट पहले टच नहीं हुए हैं पर्सन के, क्योंकि उनके हील पर इंजरी मार्क है, ठीक है। और अब तो चिन पर भी कोई गड्ढा बताया जा रहा है कि चिन पर बहुत बड़ा गड्ढा है और बाकी फेस पर इंजरी है, तो पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे ये लगती है दोस्तों ज़्यादा कि धकेलने की, ठीक है, धकेलने की या गिराने की, इस तरीके की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो चेस्ट के बल गिरी हैं। अगर वो हेड के बल गिरी होती तो बैक पर बहुत ज़्यादा इंजरी होती, पूरा ऑक्सीपिटल रीजन जो है वो टूटा हुआ होता स्कल का, जो कि नहीं बताया गया है, और आगे के दांत बाहर निकले हुए हैं, आगे के दांत टूट गए हैं, तो वो फ्रंट की तरफ गिरी हैं। अब देखिए अभी और भी थ्योरीज आ रही हैं कि उनको कहीं और मारकर लाया गया और कार से वहाँ पर फेंक दिया गया, बिल्कुल पॉसिबल है, एजोल्टेड हो सकता है, क्योंकि हमने तो पोस्टमार्टम फोटोग्राफ भी नहीं देखे हैं उनके, तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि क्या कंडीशन रही है। अगर एक दो इमेजेस भी देखने को मिल जाते तो हम काफ़ी कुछ बता देते, पर फिर भी हम यहाँ पे एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, तो ये कॉन्क्लूसिव नहीं है। पर ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी दोस्तों बॉडी फीट्स के बल गिरती है, आप ये मेरा कर्सर देखिए, तो ये जो बोन होती है हमारी, चाहे वो एंकल बोन हो, मैं थोड़ा कैमरे को इधर कर देता हूँ अभी, तो ये जो पहले एंकल बोन, अगर हील पॉइंट गिरता है, या बोन, ये सब हड्डियाँ टूटती हैं यहाँ पर, ये जॉइंट टूटते हैं, यहाँ से भी हड्डी टूट सकती है, ये जॉइंट टूट के पुश करते हैं, इतना फोर्स होता है, ये पुश करते हैं कि यहाँ से
ये फीमर और पेल्विस का जॉइंट है ये भी टूट के अंदर तक चला जाता है, स्टमक पे काफ़ी इंजरीज करता है, स्प्लीन पर इंजरीज करता है, और फिर ये रिप्स भी टूट सकती हैं, रिप्स टूट के अंदर प्लूरल कैविटी में घुस जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। पर हमने दिशा के केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या देखा कि प्लूरल कैविटी भी इंटैक्ट थी, रिप्स पे थोड़े से कॉन्ट्यूजन थे क्योंकि वो चेस्ट के बल गिरी हैं, तो प्लूरल कैविटी भी इंटैक्ट थी, कुछ भी नहीं टूटा, तो ये पॉसिबली सुसाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अगर इसको होमिसाइडल एंगल से रहे, हाँ सामने की तरफ काफ़ी इंजरीज आई हैं, तो बिल्कुल होमिसाइडल एंगल सामने आ सकता है, क्योंकि अपने आप कोई जब गिरता है तो वो अगर कूदेगा भी तो आप समझिए वो गिर रहा है, तो ऐसे हेड के बल नहीं कूद सकता, हेड के बल अपने आप को सुसाइड नहीं कर सकता, ये कोई डाइविंग नहीं हो रही है स्विमिंग पूल में, आप समझ रहे हैं ना, ये बिल्डिंग से गिरी है वो, तो डाइव करने के लिए नहीं, ये डाइविंग का वो नहीं है यहाँ पे पर्पस। तो यहाँ पर जो इंजरीज हैं वो ये बताती हैं जो होमिसाइडल की तरफ ज़्यादा ले जाती हैं, और जो एक्सटर्नल इंजरीज हैं हमने देखा कि कॉज ऑफ डेथ तो उन्होंने बताया हेड इंजरी, कॉज ऑफ डेथ वहाँ पर लिखा हुआ है हेड इंजरी, और उन्होंने और कुछ लिखा, हालांकि यहाँ पे कॉज ऑफ इंजरीज बहुत चीज हो सकती थी, सडन ट्रोमा भी हो सकता था चेस्ट पर, और उन्होंने प्लूरल कैविटी यानी कि लंग्स जहाँ पर रहते हैं वो भी इंटैक्ट है और हार्ट भी इंटैक्ट है, तो पता नहीं ये क्या माजरा है, क्या छुपाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो अगर दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर हमें थाई पर, उनके राइट थाई पर, राइट आर्म पर इंजरी मिली है और लेफ्ट एल्बो पर इंजरी मिली है, जो कि किसी भी तरीके से ये सारी इंजरी एक ही केस में, फॉलिंग केस में पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो फॉलिंग है वो सेकेंडरी है, और अगर फॉलिंग प्राइमरी माने तो सेकेंडरी इंजरीज वो नहीं आ सकती, तो फॉलिंग तो सेकेंडरी ही रही है, पहले की इंजरीज वो कोई कोई झगड़ा हुआ होगा, कोई एजॉल्ट हुआ होगा और उनको एब्यूज़ किया गया है, फिजिकली मारा गया होगा, तो उससे ये इंजरीज जो है हमारी थाई पर, लोअर लेग पर पीछे की तरफ और हील पॉइंट पर आ गई हैं। ठीक है, और फेस पर जो गड्ढा दिखाया जा रहा है वो आ गया है उस तरीके से। तो ये सारे पॉइंट हैं दोस्तों। अब एक चीज़ हम लास्ट में ये समझ लेते हैं, मैं थोड़ा कैमरे को इधर कर देता हूँ। देखिए, जो सस्पेक्ट है, चाहे वो रोहन रॉय हो या उस समय जो भी थे पार्टी में, उनकी एबिलिटी, उनमें से जो भी सस्पेक्ट है, 3, 4, 5 जो भी सस्पेक्ट है, उनमें कितनी एबिलिटी है उसको पुश करने की, उनको थ्रो करने की, अगर वहाँ पर सारी लेडीज़ होती, अब समझिए सारी फीमेल्स होती, तो शायद ये प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, पर क्योंकि मेल्स भी थे, उन मेल में से कितने मेल्स बहुत ही रॉबस्ट हैं, बहुत ही मुठमर्द हैं, मस्कुलर हैं उसको फेंकने के लिए, तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखने वाली है, बहुत ज़्यादा एविडेंशियल है यहाँ पे। और क्या उनकी बॉडी में से कोई ऐसी ड्रग्स, कोई अल्कोहल, कोई सब्सटेंस मिला, तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जो कि ये क्लियर हो गया है, जो कि जैसा कि हमेशा सुशांत के केस में भी ऐसा ही क्लियर कर दिया गया था। तो इस पर हम देखिए, मिलना बहुत ज़रूरी है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, पर अगर मिलता तो इससे काफ़ी चीज़ें साबित होती, पर अब नहीं मिला तो हम इसको नहीं में ही समझेंगे कि उन्होंने, पर क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी थी जहाँ पर अल्कोहल भी चल रही थी, जैसा कि चश्मदीद गवाह ने बताया कि जहाँ पर अल्कोहल भी चल रही थी और बाकी चीज़ें भी थी, तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ मिलना क्राइम सीन पर यानी कि लॉन्च पॉइंट पर बहुत ज़रूरी है, देखा जाना चाहिए था तभी, और उनकी बॉडी में अंदर प्रेजेंस देखी जानी चाहिए थी, जो कि सोसाइटी या होमसाइड को क्लियर बताई थी, और जितने भी स्टेटमेंट हैं, चाहे वो विटनेसेस के हों, सस्पेक्ट्स के हों, वो क्या कहते हैं, रोहन ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, जो कि वहाँ पर चश्मदीद गवाह था कि जो भी हुआ और जो लोग भी थे उनमें से किसी का भी स्टेटमेंट, किसी की भी इंटेरोगेशन नहीं हुई है, ये अपने आप में सबसे बड़ी कमी है अभी तक की, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स ली जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सच और झूठ की बात नहीं है, स्टेटमेंट की एक्यूरेसी तभी चेक हो सकेगी जब वो स्टेटमेंट दें, ठीक है, कि बॉडी के हिसाब से पॉसिबल है या नहीं है, वो तभी चेक हो सकेगी, अगर वो स्टेटमेंट्स ही नहीं देंगे या कोई स्टेटमेंट्स ही नहीं लेगा तो कैसे चेक होगी। और ये मैंने डायग्राम के हिसाब से आपको समझाया था कि पहले केस सुसाइड का हो सकता है, इसमें सुसाइड या होमिसाइड, हल्के से गिरी, एक्सीडेंटल केस है और सुसाइड किया, सेकेंड में भी सुसाइड हो सकता है, थोड़ा अपथ्रस्ट लिया, जो सेंटर ऑफ मास है वो बड़ा और यहाँ पे आगे गिरी, बट थर्ड केस में जब बॉडी बहुत दूर गिरती है तो वो सुसाइडल थ्योरी वहाँ पर खारिज हो जाती है, होमिसाइडल थ्योरी ज़्यादा प्रबल हो जाती है, और
बाकी अगर बाकी कोरोबरेटिव एविडेंसेस भी देखने पड़ते हैं, ऐसा ही नहीं कि एक ही चीज़ देखकर हम ये बता देंगे। बाकी कोरोबरेटिव एविडेंस जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फोटोग्राफ्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी होते हैं। फोटोग्राफ्स दोस्तों, हम कह रहे हैं सीसीटीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्राइम सीन पर जो हमें एविडेंसेस, जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, ऊपर जाकर देखना चाहिए था। अल्कोहल है, कितने ग्लास है, कितने लोग आए थे, कितने फिंगरप्रिंट्स हैं, क्या चीज़ थी, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। खिड़कियाँ कैसी हैं, किस तरीके से फेंका जा सकता है, आज तक भी वो इंक्वेस्ट, ऐसी इंटरोगेशन पुलिस ने नहीं दिखाई है, नहीं देखी है। और केस की फाइल, जैसा कि आपको समझ में आ रहा था सुनने में, डिलीट कर दी गई है जब बिहार पुलिस ने मांगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने आप में संदिग्ध हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।